हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ ना मैंने ये सूजी का हलवा बनाया था, क्योंकि आज रेनू जा रही है, उसका भाई आया हुआ है, वो भी जा रहा है, साथ में तरुण भी जाएंगे। और रेनू कहाँ जाती है, क्या करती है, उस सब के बारे में भी मैं आज आपको बताऊँगी। आप लोगों का कमेंट आ रहा था काफ़ी टाइम से, तो अभी वो जा रही है तो उसको बाय बाय बोलते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। रेशू ऐसे नहीं करते, पानी में हाथ दे रहा है, रेनू रेडी है जाने के लिए, बाय। तुम्हारे बर्तन बर्तन कहाँ बैठे, जो ड्रेस निकाल ले, तो ये इससे में गैस सिलेंडर वगैरह रख लिया। बाय बाय, फिर मैं लेकर आऊँ, टेस्ट कराने जा रहे हूँ। यूँ बताइए, सुबह सुबह पानी में खेल रहा है, अच्छी बात है क्या। वैशु इधर देखो, मम्मी इसके कपड़े बदल देना, इसे ऊपर ले जाए, पत्ते डालेगा इसमें उठा के, ए पत्ते डाल दिए। चलो जाओ बाय वैशु, बाय वैशु, चाची गई, बाय 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 बाय। अरे गिर गया, आगे सीढ़ी है, चाची कहते बाय बाय, चाची पापा को बाय बाय बाय, इससे इसने इसको। और अब ये सीधे रेनू को बाय बोलने के बाद मैं निकल रही हूँ यहाँ थायराइड का टेस्ट कराने, क्योंकि मेरा ना फैट इतनी जल्दी बढ़ रहा है और मेरे को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि मेरा फैट बढ़ गया हो, इसलिए मैंने देरी ना करते हुए अपने सारे टेस्ट करा लिए थायराइड वगैरह के हैं। तो अभी देखते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। चक्कर से आ रहे हैं, मुझे तो खून निकल गया ना, चढ़ा नहीं था। देख लो आ रहे हैं ना चक्कर। हेलो गाइस, अभी हो गई है शाम और जो मेरी रिपोर्ट थी वो आ गई है, उसका बताते हैं हम क्या हुआ। तो मैंने किचन में काम कर रही थी, वैशु को नीचे नहीं खेलना, वैशु को गोदी में खेलना है, गोदी में खेलना है ना, गोदी में खेलना है ना, बोलो यस, ये। तो चलो अभी आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, और बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम बहुत ही कम लोग हैं तो थोड़ा सा ही खाना पड़ेगा। मैं तो खाऊंगी भी नहीं शाम के टाइम, मैंने खाना भी छोड़ रखा है, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या। अभी हो गई है शाम और मैं यहाँ किचन में हूँ, साथ में मेरे वैशु है, ये यहीं यहीं करके रो रहा था, तो फिर मैंने इसको गोदी में ले लिया। तो अभी जो मैंने आज सुबह में मॉर्निंग में वो थायराइड का टेस्ट कराया था ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार कहीं थायराइड तो नहीं बढ़ रहा जिसकी वजह से मेरा इतनी जल्दी से फैट बढ़ रहा है, बट वो भी मेरी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई। क्योंकि ये देखो वैशु क्या कर रहा है, इसको पता है ये हाथ के हैं पर ये पहनने की कोशिश कर रहा है पैरों में। बेटा ये किसने पहना है, ये आपने पहन तो रखे हैं, आवाज़ कम कर लो वैशु, आपने पहन तो रखे हैं ये पैरों में वैशु। आजकल आपको पता है आरवी के ना इतने महंगे महंगे शौक हो गए कि डेली उनको पूरा करना तो मुश्किल है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को हम घर पे ट्राई करके देखें। तो आरवी ना बाहर की कोल्ड कॉफ़ी पीता है, कोल्ड कॉफ़ी जो कि कितने रुपए की आती है, 140 रुपए की आती है, और उसको बोलो जूस पी ले बेटा, कहेगा नहीं जूस नहीं पीना, दूध भी नहीं पीना, मेरे साथ अच्छी बन रही है, और क्या, किसी दिन मेरे पास ये आईफोन होगा, चलिए जूस भी नहीं पीना होता उसको, दूध भी नहीं पीना होता, एकेडमी से आता है, पर उसको ये कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। तो आज ये हम ना घर पे बना के ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, देखते हैं कैसी बनेगी। आपने अभी वीडियो देखी थी ना, बनाइए ऐसे नहीं बनाई भाई, आरबी के शाही शौक, ये देखो पहले इसको अच्छे से सजाओ उसको दिखना भी चाहिए कि हाँ भाई इस पर चॉकलेट लगी हुई है।
इसको उठा के अभी बोल के गए हैं कि फ्रिज में रखना है। मैंने वीडियो नहीं देखी तो मेरे को पता नहीं है फ्रिज में या फ्रीजर में किधर रखूँ। फ्रीजर में रख देती हूँ क्योंकि ये वाली जो आइस, ये जो चॉकलेट है ना, ये इसको मेरे को लगता है ड्राई करना है ताकि ये इसकी ये जो शेप है ना ये बनी रहे। तो अभी मैंने ये फ्रीज़र में रख दिया है, इसको कर देते हैं बंद। सो अभी आरवी की यहाँ बन रही कोल्ड कॉफ़ी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके पापा बना रहे हैं उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी। अभी अभी आरवी ना थोड़ी देर पहले ही एकेडमी से आया है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि जो मेरी देवरानी है रेनू वो कहाँ रहती है, घर पे नहीं दिखाई देती, मतलब आते जाते ही दिखती है ज़्यादातर। तो वो कर रही है PhD जो कि आगरा से कर रही है, तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ रहती है, जब उसकी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो घर आ जाती है, इसलिए वो आपको व्लॉग में भी नहीं दिखाई देती और ज़्यादातर आती है तो दिखती है या फिर जाती है तो दिखती है। यही था इसकी वजह से ही नहीं देखती वो, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई चल रही है और वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तैयार हो गया आरवी की कोल्ड कॉफ़ी, वो जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। पिया था आरवी ने? पिया कैसा लग रहा है? टेस्टी है? हैं? आरवी पी के दिखाओ कैसा लगा? कैसा लगा? कड़वा। टेस्टी नहीं है? हैं? ये तो कड़वा बता रहा है यार। अच्छा है, स्ट्रॉंग है भैया। तो ज्यादा स्ट्रॉंग क्यों बना दिया? बच्चे के हिसाब से बनाना चाहिए था। ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं? नहीं भी ना एलो आप फिर बच्चों के भी शौक अलग ही होते हैं। देखो पहले इसको स्ट्रॉ चाहिए, फिर उसके बाद चम्मच, और दोनों चीज लेके अब कैसा लगेगा आप बताना? अब क्या मुंह से बोल के बताओ कैसा लगेगा? अच्छा। अच्छा तो अभी आपने देखा कि ना आरवी को कोल्ड कॉफ़ी ओके ओके लगी थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, बट इसका टेस्ट अच्छा था, उसको पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लग रही। तो अभी मैं अपनी व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।